ओके कोई बात नहीं। ओके बेटा नाइन्थ क्लास एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, और एटम्स के जो क्या बताए थे मैंने कि साथ में उनका जो मॉलि वेट्स होता है वो भी सेम ही होता है। और अब हम करते हैं पेज नंबर 34 पे। कल मैंने IUPAC बताया था। IUPAC क्या होता है कि एक इंटरनेशनल नेम होता है जो हर जगह बिल्कुल ही सेम होता है, ठीक है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाए वर्ल्ड में, वो एक ही नाम से बोला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट नेम नहीं होंगे। आप अगर एक बार हाइड्रोजन बोलेंगे तो हाँ उन्हें भी पता है हाइड्रोजन, इसको ही कहते हैं। तो IUPAC एक ऐसा नाम है इंटरनेशनल में यूज़ होने वाला एक चीज़ के लिए, कहीं भी जाएँ तो उसको यही बोला जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए H, अल्मोनियम के लिए AL। अल्मोनियम को देखो बेटा A और L कैपिटल, ऐसे नहीं लिखते। मैंने आपको कल बताया था थोड़ा सा कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होएगा, AL सेकंड हमेशा स्मॉल जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, हमेशा सेकंड लेटर कोबाल्ट है, जैसे कोबाल्ट का CO होता है तो कैपिटल नहीं आएगा, ये वाला कैपिटल नहीं आएगा, ये कैसा आएगा सी और ओ स्मॉल, ठीक है क्लियर। अब कुछ सिंबल्स हैं आपके फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स बता रखे हैं आपको। जिंक के लिए कौन सा सिंबल लगाएंगे, ZN फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल लेटर में होता है। सोडियम के लिए Na, तो बेटा यहाँ पे कुछ टेबल बताई गई है, टेबल नंबर 3.1 सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, ये देखिए यहाँ पर सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स। तो ये सिंबल हैं कुछ एलिमेंट्स के जो आपने लर्न करने हैं। अल्मोनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar, ब्रेलियम के लिए Ba, बोरोन के लिए B, ब्रोमीन के लिए Br, और कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए CO। तो ये हैं सारे एलिमेंट्स, सारे नहीं हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ उनके एलिमेंट्स के ये साथ में क्या दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं। तो बेटा ये आपने एलिमेंट्स के सिंबल्स लर्न करने हैं, ठीक है। कॉपर CU बेटा ये है, नाम है इनका कॉपर का रखा है, इस तरीके से जिंक का ZN ही रखा है हमने, ये हम इनका इसका नाम हमने ऐसे क्यों रखा, ये तो इंटरनेशनली हमने तो रखा नहीं, तो पहले से ही चले आ रहे हैं जो, ठीक है। तो ये ऐसे है, याद रखनी है आपने, ठीक है। मरकरी होती है, मरकरी पता है, थर्मामीटर देखा है सबने, थर्मामीटर में होती है ना लिक्विड होता है एक पतला सा, जब आपका टेम्परेचर राइज करता है तो मरकरी भी राइज करने लग जाती है, तो मरकरी होती है। उसका सिंबल क्या होता है, HG, उसका सिंबल होएगा HG। तो आपने ये लर्न करनी है सारे सिंबल्स, जो अभी अब मेन सिंबल्स आपके बारे में बताए हैं यहाँ पे बुक में, तो ये सिंबल सबको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ओके कम हियर बेटा, रीड द लेसन। Other symbols have been taken from the name of element, Latin, German of Greek. For example, the symbol of iron is Fe, from its Latin name furan. Sodium is the Na, from the natural potassium is K, and the calcium, therefore the element has been named a unique chemical symbols. The passage of time, reactive usage of automatically can enable of reproduced symbols. 3.2 Atomic gas, the most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was sure that atomic mass, according to him, each element had a characteristic atomic mass theory. The theory could not be explained law of constant proportion, so we will scientists were promoted by the measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of individual atom was relatively difficult task, relatively atomic masses were determined using the law of chemical combination and compounds form. Let us take the example of compound carbon monoxide from the carbon oxygen. It was observed experimentally that 3 grams of the carbon combine 4 grams of oxygen to form of CO.
In other words, carbon combines with 4 into 3 times of mass of oxygen. Suppose we defined atomic mass unit earlier abbreviated at AMU. But according to the latest IUPAC recommendations, it was now written as U. Unfined mass are equal to mass of one carbon atom, then we could assign carbon of atoms mass 1.0 U and oxygen at atomic mass 1.3 U. However, it was more convenient to have these numbers as whole numbers of M near to a whole number of as possible. While searching for various atomic mass units, scientific initially took 1/16 of mass of atom naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons. एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? देखे अभी पढ़ा था शुभम ने, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द एटम मास. सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, डल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये बताया था एटम के मास के बारे में कि मास कहना जो भी हो सेम रहता है, चेंज नहीं होता मास. ठीक है, यही बताया था डल्टन ने कि मासस जो है चेंज नहीं होते हैं एटम्स के. अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास. सभी का एक मास होता है. ठीक है, अलग अलग सबका, किसी का सेम मास नहीं पाएगा. अब आप जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो सबका अगर वेट करा जाए तो सबका वेट 19-20 जरूर पाएगा. किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का कम है, ऐसे ही होता है. इसी तरीके से इनमें भी होता है कि मास किसी का सेम नहीं होता, डिफर करता है. अब यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया था, द थ्योरी कोड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कहा गया है कि जो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन मतलब एक मात्रा में जो है वो ही रहेगा, चेंज नहीं होता इसमें. ठीक है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड. एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपाउंड क्यों बोला गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड, मैंने कल बताया था कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जो बनती हैं वो क्या होती है, कंपाउंड कहलाती हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO फॉर्मूला है इसका. ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन. दो चीज़ों को जब मिलाकर एक चीज़ बनती है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड, इस कंपाउंड का मतलब अब क्लियर हो गया सबको. दो चीज़ों को मिलकर, दो या दो से भी ज़्यादा चीज़ों को मिलकर जब एक चीज़ बनकर सामने आती है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड. ओके, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. आप यहाँ पे भी आपके बुक में भी बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किससे, दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो कार्बन दूसरा ऑक्सीजन से. इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 3 ग्राम कार्बन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन मिले हुए हैं, 4 ग्राम ऑक्सीजन मिले हुए हैं. इन अदर कार्बन कंबाइन विद 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. या तो हम ऐसे कहेंगे कि कार्बन जो है 4/3 ग्राम में वो मिक्स है उसके साथ. तो ये उसका क्या है, IUPAC नेम भी होता है इसको, AMU में शो भी करते हैं हम. ठीक है, वी डिफाइन दैट एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट. ओके, जो उसका मास होता है उसको AMU बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द लेटर IUPAC रिकमेंडेशंस इट इज नाउ रिटन एज यू. अब जो है अभी जो नई हमारी ये है IUPAC के अकॉर्डिंग, हम इसको AMU शो ऑफ ना करके क्या शो ऑफ करते, खाली यू में. ओके बेटा, यू यूनिफाइड मास मतलब सेम थिंग ही है, बस अब उसको नाम चेंज कर दिया है यू, मतलब एक ही मास रहे, मास चेंज नहीं होता. ठीक है, as equal to its mass of one carbon atom then we would was whole number as near as to whole number of possible, उसके whole number के equal ही possible में पहुँचते हैं. जैसे यहाँ पे
किसका बताया है, वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट साइंटिफिकली आइडेंटली लुक 1/6 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज विद द यूनिट 1/16 में उसको क्या हो जाता है निकालने की इसको करा गया है। ओके चलिए अब आगे बढ़िए बेटा। मैम इससे मास पता लगता है ऑक्सीजन, मास दिया हुआ होता है, ये अभी आपको दिया ही होगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके ऑक्सीजन रिएक्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड्स द एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स एज होल नंबर हाउएवर इन 1961 ऑफ यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 इट स्कोप इन चूजन एंड द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरिंग एटॉमिक मासेस वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एक्जेक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन माइनस 12 द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैज बीन फाउंड द रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन माइनस 12 इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग द फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम ही कैन टेक अ वाटर मेलन एंड सेज दिस हैज अ मास ऑफ 12 यूनिट्स एक एग्जांपल लिया है कि एक कोई फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर ने एक उसका वाटरमेलन था, वाटरमेलन का एक टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े के साथ में कई छोटे छोटे पीसेस डाल दिए उसने, कि उसने ये कहा कि इसका इतना ही वेट है तो आप ये ले लीजिए, तो इस तरीके से ही अंदाजा है कि ये एक ये चीज़ इसके इक्वल होती है, तो वो अंदाजा लगा के हमने बनाए हैं, सबके वेट्स बना रखे हैं पहले से साइंटिस्ट ने, तो हम उनके वेट्स को इस अकॉर्डिंग ही लेते हैं, पूरा एक नहीं उसके भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे 1/12 1/16 तो उसके पार्ट्स में है, वो उसका छोटे से छोटा हिस्सा लिया गया है। 12 वाटरमेलन यूनिट्स ऑफ 12 फ्रूट मास यूनिट ही मेक अ 12 पीसेस इक्वल पीसेस ऑफ वाटरमेलन जैसे एक वाटरमेलन ले लिया उस वाटरमेलन के 12 पीस कर दिए तो वो कहा कि ये पूरा एक वाटरमेलन है 12 पीसेस को तो एक एक वाटरमेलन में से 12 पीस निकले तो ये कहा कि एक पूरा वाटरमेलन है। क्लियर कि एक उसके कितने पीस बनाए 12 तो इस तरीके से बनाए Watermelon and find the mass of each fruit he is selling relative to mass of one piece of watermelon. Now he sells his fruit by relative fruit mass unit FMU. As in similarly the relative atomic mass of atom of element defined as the average mass of atom as compared 1/12 of mass of carbon minus 12 atom. Okay, Table 3.2 beta 3.2 देखिए उसमें कुछ atoms हैं कुछ एटम्स हैं 3.12 में ये 2 में बेटा यहाँ पे और कुछ एटम्स उनके क्या दे रखे हैं एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं एलिमेंट्स हैं उनके मासेस दे रखे हैं। ठीक है ओके बेटा ये याद करने हैं मासेस 3.2 हाउ डू एक मिनट बेटा हाँ जी मैम ये कार्बन 12 एटम ये है इसका मास इतना ही होता है ये लर्न करने होंगे आपको। ठीक है मास है बार है ये इनका बाहर ये चेंज नहीं होता ये सेम ही रहेगा वेट इनका चेंज नहीं होता वेट सेम ही रहता है इनका। हाउ डू एटम एग्जिस्ट एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दे मॉलिक्यूल्स ऑफ लॉन्ग एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर दैट वी कैन सी फील और टच 3.3 व्हाट इज मॉलिक्यूल अ मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स एट द केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज टाइटली Add together by attractive forces. Atoms को हम ऐसे ही नहीं देख सकते Atoms को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है या तो हम देख सकते हैं सी कर सकते हैं या फील कर सकते हैं अब एयर को तो आप टच नहीं कर सकते ना हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन मतलब एयर तो है आप टच तो नहीं कर सकते उसको तो फील कर सकते हैं आप अंदर आप सांस लेते हैं तो आपको लगता है आपके अंदर कुछ जा रहा है तो वो एयर को कुछ चीज़ें ऐसी जिसको फील कर सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जिनको देख सकते हैं या कुछ को हम टच करके भी बता देख सकते हैं जैसे हमारा लोहा है ये भी तो क्या है एलिमेंट ही है। ठीक है इनको हम टच कर सकते हैं कुछ को हम टच कर सकते हैं कुछ को हम फील कर सकते हैं कुछ को हम देख सकते हैं। ओके A molecule can be defined as a smallest particle of element or compound that can be capable of independent existence and show the properties of that substance. Atom of some element or different element can join together to form of molecules.
3.3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम. मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन. मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ एटम्स. ओके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा या ग्रुप मोर देन एटम्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स. अब जैसे आपका ऑक्सीजन ही है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, खाली ऑक्सीजन ओ, खाली ऑक्सीजन ओ जैसे है तो आपका ये क्या बन जाता है? खाली ऑक्सीजन कहलाएगा. लेकिन जब ये ओ टू बन जाता है, ऑक्सीजन के जब आप ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो जाते हैं तो ये दो अणु मिल जाते हैं, तो ये दो बार ऑक्सीजन मिल ओ मिल जाते हैं तो ये ओ टू क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया. ओ थ्री ये भी मॉलिक्यूल्स हो गया, लेकिन इनके नाम अलग अलग है. ये ऑक्सीजन हो गया और ये ओजोन ओन जी ओ थ्री. सबके नाम चेंज हो जाते हैं इनके जब दो या दो से ज्यादा ही मिल जाते हैं. अब देखिए ये क्या है? कार्बन. ये क्या है? ऑक्सीजन. ठीक है, लेकिन सी ओ को मिला देते हैं तो ये क्या बन गया? कोबाल्ट बन जाता है सी ओ. ठीक है, लेकिन इसमें हम टू मॉलिक्यूल्स मिला देंगे तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सी ओ टू. ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब हम दो एटम्स को आपस में मिलाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे हमें ओ और सी ओ और ओ को बनाया तो ये क्या बन गया? सी ओ. लेकिन सी प्लस ओ टू को ओ को दो मॉलिक्यूल्स और मिला दिए होंगे तो सी ओ टू बन गया. तो ये है कि आपस में जब हम इनको मिलाते हैं तो जब नई चीज़ बन के आती है वो हमारी मॉलिक्यूल्स कहलाती है. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब मिला कर बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाती है. क्लियर? तो यही तो मैं बता रही हूँ कि किसी जब दो एटम्स अलग अलग तरीके से उनको मिलाते हैं तो वो एक चीज नहीं बन के आती हर बार, अलग अलग चीज बन के आएगी. ओके, और जो वो बन के आती है दो या दो से ज्यादा को मिलाने से तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है. क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज्यादा को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल्स कहलाता है. अब ऑक्सीजन के ही अगर हम टू मिला देंगे दो बार ऑक्सीजन को तो ये क्या बन गया? ओ टू ऑक्सीजन. लेकिन खाली ओ को लेंगे तो ये ऑक्सीजन ही हुआ. ठीक है, जब इसी के ही टू ले लिए तो ये ओ टू बन गया ऑक्सीजन. ओके बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम. मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट सच एज आर्गन हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम और एलिमेंट बट दिस इज नॉट केस ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. जो दो को मिलाकर एक ही है, जैसे वो एक ही है वो मॉलिक्यूल्स में नहीं जाएंगे. जैसे Cl क्लोरीन, ये खाली क्लोरीन बना है, इसके साथ L क्या है? सिंगल है. लेकिन ये और ये जब मिला देते हैं, दोनों कैपिटल तो हैं, जब दो कैपिटल मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स हो गए. लेकिन ये एक है तो ये सिंगल है, एक कैपिटल और एक स्मॉल सिंगल है, ये एक ही है. ठीक है, सी एल हो गया क्लोरीन गैस, ये भी क्लोरीन गैस है. ठीक है, ए आर आर्गन. ठीक है, इस तरीके से आपको ये लर्न करने पड़ेंगे अभी. ओके बेटा, if three atoms of oxygen unit into molecule instead of atoms constituting a molecule is known as its atomhood. Atom city. Metal and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large indefinite numbers of atoms bonded together. Let us look at atom city of some non-metals. 3.3 molecules of compounds. Atom of different element joined together in definite proportion to molecule forms of compounds. Few examples of given in table 3.4.
व्हाट इज एन आयरन? व्हाट इज एन आयरन? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब एटम के अंदर, जैसे बेटा ऑक्सीजन का देखो, ये कार्बन सीधा कार्बन की बात कर रहे हैं, सी सी होता है कार्बन, लेकिन इसके नीचे क्या लगा है? कुछ नहीं लगा, 1 2 3 कुछ नहीं लगा। तो इसका मतलब जब कुछ लगाएंगे तो उसके साथ क्या है? वन है, वन होता है ना, मैथ को सबको आता है, वन होता है, दैट इज सिंगल। सिंगल के लिए मोनो, और टू टू है तो क्या लगेगा? डाई। डाई लिखा है ना, डाई दो बार, अगर थ्री आ जाता है ओ थ्री तो ओजोन हो जाता है। लेकिन जब एक सेकंड बेटा, जब सिंगल आएगा तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, और जब 4 5 आ जाता है तो पॉली एटॉमिक आ जाता है। ओके, मैथ हो गया। हाँ जी, आपने मैथ्स में भी करा होगा मोनो डायो, तो वही है ट्राई और पॉली एटॉमिक, वो सेम थिंग इसमें ही चल रही है मैथ्स के साथ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अभी ये डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक अब आप पूछ रहे थे, जो क्लियर हो गया ना अभी बेटा। ओके, व्हाट इज आयरन? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयरन। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल दैट कैन बी नेगेटिवली। ओके बेटा, आयंस। आयंस क्या होते हैं? देखिए, जब किसी एटम के ऊपर, जैसे सोडियम, सोडियम होता है Na, लेकिन इसके ऊपर हम प्लस लगा देते हैं, या फिर हम माइनस किसी के ऊपर, जैसे इस पे प्लस लगता है, क्लोरीन पे Cl लगाते हैं, तो ये प्लस लगता है और जो ये माइनस लगता है ये आपके क्या कहलाते हैं? आयंस। ये क्या कहलाते हैं? आयंस। ठीक है, और ये आयंस कैसे लगते हैं अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आयंस सिंपल्स के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर आयंस कैसे लगेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे करेंगे। आप अभी तक जितना चैप्टर करा है इसे अच्छे से रीड अप करके आएंगे। ओके बेटा, ओके फॉर दिस क्लास नाउ।